सो हेलो अगेन एंड वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है वन प्लस की तरफ से वन प्लस 10 प्रो, जो कि फ्लेक्सी लेवल का फ़ोन है जो कि हाल ही में इंडिया में हो चुका है लॉन्च। और आज के इस वीडियो में इसी फ़ोन का फुल रिव्यू और साथ ही साथ अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए सिंपली शुरू करता हूँ मैं आज के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं आप सभी का दोस्त स्वेहुल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्वेहुल टेक पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फास्ट एंड क्विक अनबॉक्सिंग। यहाँ पे आपको वन प्लस 10 प्रो की ब्रांडिंग के साथ साथ हैसलब्लेड की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स के ऊपर देखने के लिए बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे आपको रखा मिल जाता है केस, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ गाइडिंग मैनुअल के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए, और यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ स्टिकर्स भी देखने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक TPU केस देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिम कार्ड टूल किट के साथ 80 वॉट का एक फास्ट चार्जर मिल जाता है। और साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको टाइप सी केबल देखने के लिए रेड कलर की। दोस्तों बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको डिजाइन बहुत ही बेहतरीन मिल जाती है। फ्रंट और बैक में आपको देखने को मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन के साथ साथ बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन। हेजलब्रेड ब्रांडिंग मिल जाती है कैमरे के ऊपर और वन प्लस की ब्रांडिंग के साथ साथ मेटल फ्रेम मिल जाते हैं बैक में देखने के लिए। और दोस्तों इनहैंड फील और इजी टू कैरी होने वाला है। साथ ही साथ मैं बात करूँ अगर दोस्तों इस फोन के अप्रोक्सीमेट वेट की, यहाँ पे आपको वेट मिल जाता है 202 ग्राम्स के आसपास का। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो एज यूजुअल आपको दोस्तों यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है वन प्लस की तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको राइट साइड में मिल जाता है वन प्लस की स्लाइडर के साथ साथ पावर ऑन ऑफ बटन देखने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टॉप साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन का सपोर्ट एंटीना लाइंस के साथ। लेफ्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। डाउन साइड में सिम कार्ड ट्रे के साथ यहाँ पे प्राइमरी माइक्रोफोन चार्जिंग स्लॉट स्पीकर ग्रिल का सपोर्ट। दोस्तों जो USB टाइप सी जो पोर्ट दिया गया वो USB 3.1 का सपोर्ट के साथ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको डेटा ट्रांसफरिंग के टाइम। और डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया क्वालिटी की बात दोस्तों यहाँ आपको डिस्प्ले जो मिलती है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ 6.7 इंचेस की QLED+ प्रोडक्शन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एमुलेट डिस्प्ले है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 480Hz टच सैम्पलिंग रेट। एजेस बहुत ही पतले हैं कर्व बहुत होने की वजह से। दोस्तों यहाँ पे आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रैम प्रोसेसर स्टोरेज टाइप की, तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो 8 Gen 1 4nm बेस्ड बैटरी एफिशियंट प्रोसेसर मिलता है, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में नो डाउट दोस्तों बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। रैम वेरियंट मिल जाता है 8GB और 12GB के साथ साथ स्टोरेज मिल जाता है 128/256GB के साथ। UFS 3.1 यहाँ पे स्टोरेज टाइप और LPDDR5 यहाँ पे आपको रैम टाइप मिल जाती है। दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको ना हीटिंग दिखाई देगी, बट यहाँ पे आपको ना कवर लगाने के बाद जरा भी महसूस नहीं होगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्रेम डॉट्स बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे और ना ही यहाँ पे जरा भी लैग एंड लेटेंसी देखने के लिए मिलेगी। इस फोन के अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी होने वाली है और गेमिंग एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए एनहांस करने के लिए इन्होंने बहुत से फीचर्स ऐड किए इस फोन के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आपको गेमिंग OS के अंदर मिल जाता है वॉइस चेंजर का भी सपोर्ट देखने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों बैटरी एंड चार्जिंग कैपेसिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 5000mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी, जो कि है ना फुली चार्ज करने के लिए 80 वॉट का वायर चार्जिंग दे गया है, जो कि 30 मिनट्स में आपके 0-100 बैटरी को फुली चार्ज कर देगा। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है 50 वॉट्स का। सो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे OS एंड UI की, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स यूनिफाइड OS मिलता है, जो कि ऑक्सीजन OS 12 के सपोर्ट के साथ मिलता है और एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब यहाँ पे आपको 3 अपडेट्स और मिलने वाले हैं और फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा क्लीन होने के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत से फीचर दिए गए ऑक्सीजन OS 12 के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेंसर एंड कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको सारे रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंसर एंड कनेक्टिविटी के फीचर मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ फेस लॉक बहुत अच्छे से वर्क करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5G के 9 बैंड के साथ साथ वाईफाई 6 का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.2 के साथ साथ NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस फोन की कनेक्टिविटी के मामले में। दोस्तों फोन की कैमरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको हेजलब्लेड ट्यूनिंग के साथ साथ इसका कैमरा मिल जाता है देखने के लिए सोनी के 48MP प्राइमरी सेंसर के साथ, और यहाँ पे 50MP अल्ट्रा वाइड 8MP टेलीफोटो मैक्रो लेंस और प्राइमरी जो सेंसर कैमरा मिलता है फ्रंट में वो देखने को मिल जाता है 32MP का कैमरा। इसमें बहुत से ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ और भी बहुत से ऑप्शन देखने मिल जाते हैं इस फोन के कैमरा के अंदर। इसी फोन के कैमरा से क्लिक किए गए हुए कुछ इमेज सैंपल्स को आप सभी के सामने मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ इस फोन का कैमरा कितना अप्रोप्रिएट है और कितनी अच्छी ट्यूनिंग देता है इस फोन का कैमरा। फोन की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ना जो बेस वेरिएंट मिलेगा वो 70,000 के आसपास का मिल जाएगा, जो सेकंड वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा वो 72,000 के आसपास का देखने को मिल जाता है। ऑफर के साथ कुछ ऊपर नीचे प्राइसिंग हो जाती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस फोन के ऑलराउंड ओवरव्यू की, तो मुझे पर्सनली फोन बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा सा फ्लेक्सी होने की वजह से प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पे मैं ऑलराउंड ओवरव्यू की बात करूँ इस फोन की, तो मुझे फोन बहुत ही अच्छा लगा है। और साथ ही साथ अगर आपको फोन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मोर अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।